सो गाइस, इट्स आदि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो अब गर्मी से मिल गई है निजात काफ़ी, क्योंकि लखनऊ में हो रहा था बहुत ज़्यादा गर्म कई दिनों से। मतलब कई दिनों से ऐसा था कि इतनी उमस भरी, बीच में थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन उसके बाद वो उमस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अच्छा। तो कल से थोड़ी राहत मिली है, कल बहुत रात में भी बहुत बारिश हुई और कल दिन में भी बहुत बारिश हुई, और आज का मौसम है थोड़ा साफ। मतलब लग रहा है कि सनराइज होगा या दिन तक फिर बारिश होगी, लेकिन अभी जो है फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा कुछ देखो गार्डन कैसा है, मैं गार्डन दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये पेड़ में वाइट रंग का सदाबहार, ये थोड़ा अलग कलर का है। एक मिर्च का पेड़ है इधर, शिमला मिर्च का पेड़ है इधर, 9 o'clock लगा हुआ। और ये फूल है बहुत प्यारा था हमारा, मनी प्लांट धीरे धीरे बढ़ गया। करी पत्ते का पेड़ जो मैं बहुत छोटे से पाला था, आज वो इतना बड़ा हो गया। और ये सदाबहार का पेड़। तो ऐसे कुछ मतलब धीरे धीरे गमलों की संख्या गार्डन में बढ़ती गई। तो निहारिका बना रही है सुबह सुबह चाय, और निहारिका भी नहा धो के रेडी होगी और मैं भी नहा धो के रेडी हो गया हूँ। तो हम चाय पी रहे हैं, फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। कौन से मंदिर? ये नहीं पता। निहारिका को ये नहीं पता कि कौन से मंदिर जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में अपडेट देते हैं, पहले हम चाय पीते हैं उसके बाद निकलेंगे मंदिर। तो हम लोग रहते हैं आपके फैजाबाद रोड पे, बिल्कुल लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पे। मतलब मैं बाराबंकी की जो सीमाएं हैं वो मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर से बाराबंकी स्टार्ट हुआ था। और फिलहाल हम लोग आज जा रहे हैं सैलानी माता मंदिर। तो मंदिर के बारे में जानेंगे मंदिर में पहुंचने के बाद, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिर पहुँचना कैसे है पहले, क्योंकि इस मंदिर का रास्ता थोड़ा सा मतलब टिपिकल है। शान पथ पर हम लोग निकलेंगे पहले यहाँ से जुग्गौर गांव से इसका रास्ता जाएगा। हमारे यहाँ से जो इसकी जो दूरी है वो है करीब आपके 10 किलोमीटर के करीब है यहाँ से जो डिस्टेंस है अभी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गूगल मैप कुछ अलग डिस्टेंस दिखाता है, लेकिन होती कुछ और है। 10 किलोमीटर अभी मतलब गूगल मैप दिखा रहा है। तो यहाँ से हमने पकड़ लिया ये किसान पथ। तो किसान पथ होते हुए निकले कि हम जुग्गौर गांव से, फिर गांव के रास्ते बड़ा मज़ा आने वाला है आज ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश के गांव, खूबसूरत गांव के बिल्कुल खेतों के बीच से शायद निकलेंगे, और हो सकता है कि आम के बगीचे वगैरह भी मिले तो वहाँ से आम भी खेत के लेके आएंगे। मतलब निहारिका और मेरा ये टारगेट भी रहता है थोड़ा सा। संडे के दिन हम लोग संडे के दिन निकलते हैं मॉर्निंग में, और दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, लेकिन हम जाते हैं पिछले हफ्ते गए थे। बहुत सारे लोग इधर भी घूमने आते हैं। वो सामने बैराज है, ये बीच में क्या है किसान पथ में दोनों साइड से हाईवे है, बीच में नहर बहती है। आपको अगर नहर दिखाई दे रही होगी तो, वैसे कभी कभी विजुलाइज नहीं होता, कभी कभी दिख भी जाती है। वैसे नहर का पानी दिख रहा है मेरे को तो अपनी आंखों से, कैमरा डिटेक्ट करता है नहीं करता है वो अलग बात है। तो मतलब यहाँ भी लोग घूमने आते हैं कभी कभी। इसी के ठीक पीछे आनंदी वाटर पार्क भी है आनंद। यहाँ से ये हाईवे छोड़ने का है, जुग्गौर आ गया देखिए, जुग्गौर से हमको ये हाईवे छोड़ने का है और अंदर निकलने का है। मतलब करीब आपके 400 मीटर हमको इसको क्रॉस करना है, 400 मीटर में हम लोग अंदर की ओर निकलेंगे। तो ये जुग्गौर गांव का रास्ता है करीब, तो यहीं से हम लोग को अंदर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से ये रास्ता दिखा रहा है इधर, इस वाले हाईवे को बोलता है ये जुग्गौर गांव अंदर की ओर चला गया। तो यहाँ से इधर इस रास्ते में जाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग निकलते हैं इस रास्ते पर फिलहाल। तो यहाँ से हमने किसान पर छोड़ दिया, जहाँ से एक जुग्गौर गांव अंदर की ओर चला गया, और यहाँ से हम लोग पहुँच गए ये वाले, ये डलुआ खेड़ा गांव है वहाँ यह मंदिर स्थित है, तो वहाँ वाले रास्ते में पहुँच गए। तो अब उत्तर प्रदेश के गाँव का नज़ारा स्टार्ट हो गया और ऑफ रोड मिल जाएगी। तो निहारिका में एक री वाली बनाने वाले थे, प्रधान जी बवासी रोड बना दिए हैं अला तो पंचायत वाला, तो ये वाला हम यहाँ पर बना बोल सकते हैं आराम से। देखो ये जी बवासी रोड बना दिया है किसी भी मतलब शहर के पास में गाँव हो, एक्चुअली हम भी गाँव के रहने वाले हैं, तो गाँव का क्या है ना नज़ारा, गाँव का नज़ारा ही कुछ और होता है। चाहे आप कहीं भी हो चलो, चाहे आप हमारे पहाड़ों पर जाओ वहाँ के गांव देखो, थोड़े वहाँ थोड़ा चलने फिरने डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ रोड रोड वगैरह नहीं होती, लेकिन यहाँ गाँव में रोड है। लेकिन एक जो ग्रामीण माहौल देखने को मिलेगा, गाय बछिया ये सब बदे होंगे, बकरी मुर्गे, और खेतों में देखिए अभी ये लगी हुई है घास, तो इसी के अंदर धीरे धीरे लोग प्लॉटी गए, यहाँ पर भैंस बधी हुई है, गाय बधी हुई है। तो ये वाली जो बात मैं कर रहा था, यहाँ से बोलता है अंदर को जाने के लिए, लेकिन यहाँ से अंदर को रास्ता है क्या? नहीं, अंदर है, आगे आगे जाते हैं।
कि कहीं शॉर्टकट लेंगे, यही तो दिक्कत है गूगल मैप की, ये शॉर्ट ले आने के चक्कर में दिक्कत करता है। अभी देखो गांव वाले बैठे हुए हैं सारे, जो माहौल मिलता है मतलब गांव में वो अलग टाइप का है मतलब। और थोड़ा टेम्परेचर की अगर बात करें तो हम लोग पिछले हफ्ते आए थे तो गाँव के आगे अंदर ऐसा लग रहा था कि आम के बगीचे के जैसे अंदर घुस रहे थे तो लग रहा था कि बहुत ठंडा हो रहा है मौसम। कीचड़ में लतपत हो जाओगी तुम एकदम से, कीचड़ से लतपत। नहीं नहीं मत उतरो, आज तो भैया बाइक के स्किल्स हो गए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पूरी दलदली मिट्टी है और अभी निहारिका और मेरा तो देखो पूरा पाँव मिट्टी में धस गया। निहारिका अरे डरो मत, अरे ऑफ रोड चलाने वाला बंदा हूँ मैं तो यही होता है कई दिनों बाद अगर गाड़ी चलाओगे तो ऐसे ही गिरोगे। अभी क्या होता कि बात होती है कि पिलर राइडर अगर साथ में है तो आदमी को बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है, अगर आदमी अकेले चला रहा है तो उसकी बात अलग है। अब ये गांव को जो मतलब मंदिर को जो रास्ता गया हुआ है ये गूगल लोकेशन के हिसाब से है, मे भी कोई दूसरा रास्ता भी जाता हो, ये शॉर्ट रास्ता मेरे को जो दिखा तो हम उसी के रास्ते आ गए। आज याद आ गई निहारिका के साई बाग कतनिया घाट वाले रास्ते पर जा रहा था तो वहाँ तो इतना भयंकर दलदल में फंस गए तो आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा, फिर दूसरा रास्ता लंबा वाला लेके हम लोग कतनिया घाट पहुँचे थे उस दिन। लेकिन आज फिर मतलब मज़ा आ रहा है, देखो क्या रोड है, ऐसे सुबह सुबह रोड मिल जाए थोड़ा अपना स्किल डेवलप हो जाएंगे। डेवलप क्या स्किल तो डेवलप है ही, मतलब जो आदत है वो बाइक जो छोड़ दी है वो वाली पूरी हो जाएगी अपनी। अब निहारिका खुश हो जाती है, देखो ये कितनी खुश हो रही है वो देख रही हूँ, वो सामने है मोर और मोर को देख के इतनी खुश हो जाती है कि मतलब फूली नहीं समाती है मोर को देख के। अभी दो बहुत, ये तो बहुत कमज़ोर है लेकिन उधर साइड में दो बहुत मोटे मोटे मोर थे। तो ऐसे रास्ते में बाइक लाने में क्या मज़ा ही कुछ और है, देख रहे हो ये फिर से पानी आ गया, जैसे ही पानी आ रहा नहीं आ रहा कि आफत आ जा रही है, सोचते हैं कि भैया हम लोग हाथ गिरते ही गिरते हैं। अब देखो ये गांव का माहौल है, ऐसे बच्चे पार्टी अपना लुटा लेते हुए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, एक चीज़ मैंने और देखी उत्तर प्रदेश में क्या है, ये बहुत बुरा लगता है मतलब कभी कि टॉयलेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमने सबको दे दिए हैं लेकिन यहाँ लोग फिर भी मतलब खुले में मतलब शौचालय जाते हैं, तो ये वाला पता नहीं क्या हिसाब है, सोच नहीं आता मेरे। यहाँ से बैल गाय सब खड़े हुए हैं, वहाँ गाड़ी बंद हो गई है पूरी, यहाँ से किधर रास्ता जाएगा पता नहीं क्या, गूगल मैप कहाँ से लेके जा रहा है। ये सैलानी माता मंदिर कहाँ से जाएगा रास्ता, ये रास्ता जाएगा ठीक। तो बच्चों से पूछा, बच्चे बेचारे शरमा रहे हैं, गांव के बच्चे शरमाते ही। हाँ गूगल मैप हमको मतलब स्किल जानने के लिए ऐसे रास्ते दिखाया, रोड ऐसी है देखिए, अगर अगर देखा जाए तो ना, देखो कुत्ता भी बहुत खतरनाक टाइप का लग रहा है। अब जाके रोड मिली है, देखो ऐसी रोड, हम लोग ऑफ रोड का रास्ते आए थोड़ा गांव के मजे लेते हुए, अगली बार जब जाएंगे तो इसी रोड से वापस जाएंगे। मतलब आपको जुग्गौर गांव से अंदर को आओगे ना, शॉर्ट ना ले, अगर आप शॉर्ट ना लो तो ऐसे आपको रोड मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में तो थोड़ा घूम फिर के आना पड़ेगा, बस यह है कि इसमें थोड़ा गांव का एडवेंचर मिल गया, थोड़ा ऑफ रोड मिल गई, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा बाइक करने, मुझे लगता रहा था कि हम ऑफ रोड जाएंगे, अभी क्या है कि अब ठीक है अपना रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो करीब मंदिर अभी आधा किलोमीटर और बचा हुआ है, तो यानी कि हम 20-25 मिनट में पहुंच गए अपने घर से, थोड़ा ऑफ रोड लेके। देखो यहाँ फार्म हाउस हैं लोगों के, ऐसी जगह फार्म हाउस हो आदमी रहने के लिए मज़ा भी आता होगा, लोगों को अपना फार्म हाउस बनाया है इधर, क्योंकि यहाँ ज़मीन सस्ती सब कुछ सस्ता, अपना आराम से फिर जब आए तो इधर चैन से बिल्कुल आराम से सो सकते हैं, कोई ना शोरगुल ना शहर की भीड़ भाड़ ना कुछ, तो ऐसी जगह पे घूमने का ही मज़ा कुछ और है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सैलानी माता मंदिर और यहाँ पर देखिए पास में बहुत सारी शॉप्स हैं प्रसाद की, यहाँ पर माघ मेले की पूर्णिमा को लगता है बहुत बड़ा मेला, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस वगैरह खोया पाया, जैसे चंडिका देवी में सेम ऐसी है। वैसे भी ये उत्तर प्रदेश पर्यटन मतलब मैं भी ये मंदिर पूरा स्थित है कि गोमती नदी के तट पर स्थित है, यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है।
और सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर लिखा है माघ पूर्णिमा को यहाँ पर भव्य मेला लगता है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह है सैलानी माता का मंदिर का मुख्य द्वार। तो देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ है, आप नीचे देखिए मंदिर के पीछे पेड़ है, और पेड़ देखिए आधा पीपल का है और आधा बरगद का है, लेकिन उनकी जड़ देखिए सेम है, एक ही जड़ है पूरे पेड़ की, और लेकिन एक पेड़ पीपल का है और दूसरा पेड़ इसमें नीम का लगा हुआ है। तो ये है माँ सैलानी का मंदिर परिसर। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का रहस्यमय कुंड। तो मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में है ये एक बहुत बड़ा कुंड जो बिल्कुल नैमिषारण्य मंदिर की तरह, उधर मंदिर है, यहाँ पर लोग आके पहले स्नान करते हैं फिर वो जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि इसमें पानी अपने आप ऑटोमेटिक ज़मीन के अंदर से आता है, और इस कुंड की गहराई का किसी को पता नहीं है। इसमें अलग अलग रंग बिरंगी देखिए मछलियाँ भी हैं, तो पानी अपने आप अंदर ज़मीन के अंदर से आ रहा है कुंड में और ऊपर निकल जा रहा है। देखिए ऐसे कहीं से मतलब यह है, ये मेरा रहस्यमय कुंड टाइप का है जो पानी बिल्कुल अंडरग्राउंड होके निकल रहा है इसमें। तो नीचे देखिए रेत ही रेत है, आपको तला दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एक्चुअली यहाँ पर भी पूरी रेत है और मेरा पाँव पूरा डूबा हुआ है। और इसके अंदर देखिए इतने सारे फिशेज हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिशेज हैं इसके अंदर, ये देखिए। तो सैलानी माता जो माँ है, इनको शैलपुत्री भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बरगद का पेड़ है, उधर मैंने आपको दिखाया था ये जो पेड़ है आधा नीम का है और आधा पीपल का है, एक ही पेड़ की जड़ है लेकिन दोनों पेड़ बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए आधा नीम आपको दिखाई देगा, आधा आपको इस पेड़ में पीपल दिखाई देगा, नीम उस साइड को भी फैला हुआ है, पीपल बीच बीच से निकला हुआ है, ऐसा मतलब है। और इस मंदिर का जो निर्माण किया था वो स्वयं लक्ष्मण जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था, इसलिए इस मंदिर की पौराणिक मान्यताएँ बहुत हैं और लोग बोलते हैं यहाँ आके आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पर वट वृक्ष है, आप आराम से बैठ के यहाँ पर मतलब गाँव की शहर की भीड़ भाड़ से छोड़ के आप यहाँ पर आराम से वट वृक्ष नीचे छाया ले सकते हैं, साथ में कुंड में स्नान कर सकते हैं, और साथ में यहीं भी पास में गोमती नदी है जिसके किनारे स्थित यह मंदिर है। तो मैं जैसे आपको बोला था कि गोमती नदी के किनारे है, तो हमने कहा तो गोमती नदी भी देख लेते हैं। उधर गोमती नदी बह रही है, देखो आप उसकी स्थिति आपको मालूम ही है लखनऊ में कैसी है, थोड़ा रिवर फ्रंट के पास बिल्कुल साफ है थोड़ा, और इस रास्ते हम लोग आए थे उस, और वो पीछे मंदिर है, देखो मंदिर में मात्र 100 मीटर की दूरी है और ये नदी यहाँ मिल जाती है। यहाँ बहुत सारे मोर हैं निहारी का देख कर जो भाग गए हैं, और बेचारे बहुत सारे कुत्ते भी सोए हुए हैं इस किनारे। तो ये शायद घाट भी है, ऐसा लग रहा है मतलब कि घाट भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे मोर बैठे थे कि 10-12, और निहारिका का देखा सबने हमारी कूद। तो निहारिका कह रही है क्या बोल रही थी, हाँ भाग जा रहे हैं मोर, वो देखो भाग रहे हैं सारे के सारे मोर, वो के करके जितनी मोरनी सारी के सारी भाग रही है ये। तो ये था ब्लॉक लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर में स्थित माँ सैलानी माता मंदिर का। तो कैसा आपको ये ब्लॉग लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और घूमने ज़रूर आइएगा उत्तर प्रदेश के खूबसूरत गांवों में। ये गांव के रास्ते में आपको मंदिर पड़ेगा, बिल्कुल गांव के बीचों बीच मंदिर है और माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ फिर कहीं नई डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय देवमी जय उत्तराखंड।